हेलो एवरीवन आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है आर्टिकल 124 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि बात करता है सुप्रीम कोर्ट के बारे में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करता है आर्टिकल 124 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से बहुत जो क्वेश्चन है जो आते हैं एग्जामिनेशन में तो स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल वन जो लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉज वन कहती है कि देर शैल बी ए कॉन्स्टि देर शैल बी ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पार्लियामेंट बाय लॉ प्रस्क्राइब ए लार्ज नंबर ऑफ नॉट मोर देन सेवन अदर जजेस तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक चीफ जस्टिस होगा और सात हैं वो अदर जजेस होंगे और वो सात जजेस की जो संख्या है उसको बढ़ा सकती है पार्लियामेंट बाय लॉ के द्वारा तो इसी तरह से अब जो प्रेजेंट जजिस की संख्या है वो है थर्टी थ्री ये बढ़ाई गई थी सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजिस अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड नाइनटीन में अब थर्टी थ्री और एक चीफ जस्टिस तो सुप्रीम कोर्ट में कुल जो जजिस की संख्या है थर्टी थ्री प्लस एक जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 124 की क्लॉज वन कहती है उसके बाद क्लॉज टू है सक, आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर की उसको अमेंड किया गया 2014 हजार की अमेंडमेंट में तो पहले देखते हैं कि जो 14 के बाद की जो वर्डिंग है वो कहती है कि क्लॉज टू की एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन हर एक जज सुप्रीम कोर्ट का प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट तो ये हम यहाँ तक अगर देखते हैं कि जो ओल्ड प्रोविजन है यहाँ तक है उसके बाद रिकमेंडेशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन इसको नाइनटी नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड फोर्टीन में ऐड किया गया साथ में आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर ए को भी हॉल्ड किया गया तो ये जो वर्डिंग है इसको रिप्लेस किया गया एंड शेल होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 फाइव ईयर तो 65 फाइव ईयर तक जज है वो अपने पे रह सकता है तो अपॉइंट कौन करेगा प्रेजिडेंट करेगा नेशनल जुडिशियल रिकमेंडेशन की

रिकमेंडेशन की जगह पे पहले वर्डिंग थी कि आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करके या हाई कोर्ट के जजेस के साथ कंसल्ट करके जो जैसे भी अपॉइंटमेंट थी उसको प्रेसिडेंट अनसेसरी डीम नेसेसरी थे समझते थे तो उस हिसाब से वो कंसल्ट करके जजेस की अपॉइंटमेंट करते थे तो इन वर्ड और लेटर को मैं रिप्लेस सब्सिट्यूट किया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन रेफर टू इन आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर ए इस वर्डिंग को सब्सिटीट्यूट किया गया बट ये जो अमेंडमेंट है आर्टिकल वन ट्वेंटी फोर ए में एड किया गया था और वन ट्वेंटी फोर की क्लॉज टू में जो चेंज किया गया था उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का इस केस में 16th अक्टूबर 2015 को ये डिटेल ऑर्डर था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन किया था और 99th अमेंडमेंट एक्ट 2014 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वाइड है वो डिक्लेअर किया था इसके साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी हेल्थ किया कि सिस्टम जो अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का चीफ जस्टिस एंड जजिस टू द हाई कोर्ट एंड जो ट्रांसफर है चीफ जस्टिस या जजिस ऑफ द हाई कोर्ट फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनादर वो एग्जिस्टिंग रहेगा जैसे कि जो पहले 2014 की जो अमेंडमेंट हुई थी उससे पहले जो कॉलेजियम सिस्टम था वो बरकरार रहेगा उसको डिक्लेयर टू बी ऑपरेटिव उसको ऑपरेटिव डिक्लेयर कर दिया तो इसको जो है वो नॉन ऑपरेटिव डिक्लेयर कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाइज डिक्लेयर कर दिया जो Uh, 2014 की अमेंडमेंट में ऐड किया गया था तो uh, जो पुराना सिस्टम है कॉलेजियम सिस्टम जिसको हम बोलते हैं उसको बहाल किया गया वो एज इट ही चलेगा जो ओरिजिनल प्रोविजन थी बिफोर नाइनटीन अमेंडमेंट एक्ट 2014 में वो ओरिजिनल प्रोविजन कुछ इस तरह थी कि जो हर एक जज है वो एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट तो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा वाई वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ द हाई कोर्ट इन द स्टेट एज द प्रेजिडेंट मे डीम नेसेसरी फॉर द पर्पज जो प्रेजिडेंट ठीक समझते हैं उसके हिसाब से वो कंसल्ट करके अदर जजेस के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जजेस ऑफ हाई कोर्ट है उसकी अब अपॉइंटमेंट की जाएगी और वो अब सिक्सटी फाइव ईयर तक अपने जो अहदे पे है वो बने रह सकते हैं इसमें साथ में एक प्रोवाइज़ो दी गई कि इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ए जज अदर देन द चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस को छोड़ के किसी और जज की जो अपॉइंटमेंट की जानी है नियुक्ति की जानी है उसके लिए जो चीफ जस्टिस है वो कंसल्ट किए जाएंगे तो ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि अगर चीफ जस्टिस को छोड़ के किसी अदर जज की अपॉइंटमेंट करनी है तो चीफ जस्टिस को कंसल्ट किया जाएगा तो जो एवरी जज है जो एवरी जज है यहाँ की जो डेफिनेशन है इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी इंक्लूड होते हैं तो हॉ आपको ये समझ आया होगा कि जो आ, 2014 में जो वर्डिंग ऐड की गई थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो जजमेंट है 2015 में उसको स्ट्रकॉन कर दिया था अब बात करने की अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सी

तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट और रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ए 1994 में नाइन जजिस ने ये हेल्ड किया था कि जो चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट का सिस्टम है वो कन्वेंशन से ही सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट करना है वो चला आ रहा है उसको कंसिडर किया जाता है कि वो पोस्ट को होल्ड करने के लिए फिट हैं तो इस प्रपोजल को जो आउट गोइंग चीफ जस्टिस है जो रिटायर हो रहे हैं वो इस प्रपोजल को इनिशिएट करते हैं उनके नाम के साथ सीनियर मोस्ट जजिस के साथ तो जो प्रोविज़न है आर्टिकल 124 ट्वेंटी फोर टू क्लॉज टू की जो प्रोविज़न है वो अनेबलिंग है वो कंसल्ट करने के लिए कहती है कि अदर जजस के साथ इसके लिए कंसल्ट किया जाना चाहिए तो अगर सीनियर मोस्ट जजेस के पोस्ट को होल्ड करने में कोई डाउट है उनकी फिटनेस को कि वो होल्ड नहीं कर सकते ड्यू टू सम रीजंस की जो उनकी फिटनेस है उन पोस्ट को होल्ड करने के लिए तो वही एक रीज़न है कि उनकी जो सीन्योरिटी उनको छोड़ के किसी दूसरे जो जज हैं उनको चीफ जस्टिस के के लिए नियुक्त किया जाए अदरवाइज ऐसा कोई रीजन नहीं है कोर्ट ने स्पेसिफिक कि अदर ऐसा कोई रीज़न नहीं है इसके अलावा कि वह फिट नहीं है इसके अलावा कोई रीजन नहीं है कि उनको छोड़ के किसी और जज को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाए तो कंसल्टेशन है वो प्रेजिडेंट के द्वारा वो मैंडेटरी है जो प्रोसेस है कंसल्टेशन का वो मैंडेटरी प्रोसेस है उसके बाद फर्दर एक जो स्पेशल रेफरेंस प्रेसिडेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को आया था रेफरेंस नंबर वन ऑफ 1998 जो डिसाइड हुआ था 28 अक्टूबर 1998 को तो इसमें जो अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस को लेके जो क्वेरी थी वो प्रेसिडेंट के द्वारा रेफर की गई थी स्पेशल रेफरेंस के लिए तो इसमें जो आ, सबसे पहला कि कंसल्टेशन है चीफ जस्टिस और उसके जो ब्रदर जजेस हैं इन मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट में और ट्रांसफ़र है जजिस की हाई कोर्ट की उसको लेके जो ओपिनियन था वो मांगा गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंची कि कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन आर्टिकल 217 क्लॉज वन एंड 221 क्लॉज वन जो रिक्वायरमेंट है वो नंबर ऑफ़ जजेस के साथ मिलकर कंसल्ट करना और उनका ओपिनियन है फॉर्म करना सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अकेले का ओपिनियन है वो कंसल्टेशन की रूप में नहीं आएगा वो कंस्टिट्यूट नहीं होगा कि वो एक कंसल्टेशन की गई है सिर्फ इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं मैटर करता नंबर ऑफ अदर जजेस के साथ भी आ, जो प्रेसिडेंट को है वो कंसल्ट करना पड़ा होगा जो कि बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ एनी जजेस तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो रिकमेंडेशन है कि अपॉइंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जो ट्रांसफर है जजेस की या दूसरे जजेस की जो ट्रांसफर है हाईकोर्ट की वो कंसल्ट की जानी चाहिए जो

क्लॉज टू ए इसको इंसर्ट किया गया था फिफ्टींथ अमेंडमेंट एक्ट 1963 में अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एक तो वो पर्सन है वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए उसके बाद एटलीस्ट फाइव साल फाइव ईयर तक वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो और दस साल तक वो uh, जो एट फाइव ईयर जज ऑफ हाई कोर्ट हो वो पाँच साल तक के किसी हाई कोर्ट का जज हो और सेकेंड कंडीशन कहती है कि वो दस साल तक हाईकोर्ट का जो एडवोकेट है वो हो उसके अलावा वो प्रेजिडेंट के ओपिनियन में एक डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो एक कानून का जानकार हो एक्सपर्ट हो एक्सप्लेनेशन कहती है कि हाई मींस मीन्स कोर्ट विच पर और विच एट अ टाइम भी बिफोर द हाई कोर्ट की डेफिनेशन में वो कोर्ट भी आएगी जो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से पहले इंडिया की जुरिस्टिक्शन में काम करती थी तो ये नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट एक्सप्लानशन टू है कि जो कंप्यूट करना है पीरियड है क्लॉज के लिए कि जो एडवोकेट हैं दस साल के लिए एडवोकेट होना चाहिए उसके लिए जो पीरियड वो कम्यूट होगा कैलकुलेट होगा उसमें वो पीरियड इंक्लूड किया जाएगा अगर कोई जो एडवोकेट हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे की पोस्ट ना हो डिस्ट्रिक्ट जज के ऊपर की पोस्ट का कोई या उसके लेवल की पोस्ट का डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल की पोस्ट का जो जुडिशियल ऑफिस उसने अगर हेल्ड किया तो वो भी उसके अकाउंट में आएगा उसका जो एक्सपीरियंस है वो उसमें अकाउंट किया जाएगा उसके बाद है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट के जज को अहदे से कैसे हटाया जा सकता है तो क्लॉज फोर कहती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बाद हटाया जाएगा जो पार्लियामेंट में एड्रेस करने के बाद है पार्लियामेंट के जो दोनों सदन हैं राज्यसभा लोकसभा उनमें जो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर हैं और जो प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर हैं उनकी टू थर्ड मेंबर की मेजोरिटी हो उस जज को हटाने के लिए जो कि मेंबर प्रेजेंट हैं और वोट किया है और ये सेम सेशन में होनी चाहिए और किस ग्राउंड पे होनी चाहिए मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी अगर ऐसा रेजोल्यूशन जो पार्लियामेंट की तरफ से आता है दोनों सदनों की तरफ से आता है और वो सेम सेशन में होना चाहिए और प्रेसिडेंट आफ्टर पास्ड बाय प्रेसिडेंट एंड एड्रेस प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद वो जो ऑर्डर है वो रेजोल्यूशन है वो पास किया जाना उसके बाद प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज को अहदे से हटाया जाना चाहिए तो नॉट ये जो मेजर की पॉइंट है कि नॉट लेस देन टू थर्ड मेजोरिटी होनी चाहिए हाउस जो प्रेजेंट है और वोटिंग है और ये सेम सेशन में होना चाहिए और बिहेवियर और इनकेपेसिटी ये दो ग्राउंड हैं इसके ऊपर जज की रिमूवल हो सकती है अब इस बिहेवियर में जो आएगा कि विलफुल अब्यूज ऑफ जुडिशियल ऑफिस विलफुल मिसकंडक्ट इन द ऑफिस करप्शन लैक ऑफ इंटरग्रिटी और एनी अदर ऑफेंस इन्वॉलविंग मॉरल टर्पिट्यूड वुड भी मिसबिहेवियर तो ये मिसबिहेवियर की डेफिनेशन में आएगा मिसकंडक्ट इम्प्लाइज एक्चुअल एक्चुएशन ऑफ सम डिग्री ऑफ मैंजरिया अगर कोई मैंजरिया अप्लाई होता है तो समिग्री ऑफ मैं तो वो भी मिसकंडक्ट की डेफिनेशन में आएगा उसके बाद क्लॉज फाइव कहती है कि पार्लियामेंट बाई लॉ रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर द प्रजेंटेशन ऑफ एन एड्रेस जो प्रेजेंटेशन ऑफ एड्रेस होगी प्रेसिडेंट की वो पार्लियामेंट बाय लॉ और प्रोसीजर के लिए प्रोसीजर से उसको रेगुलेट करेगी फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड प्रूफ ऑफ मिस बिहेवियर तो इस क्लास में जो क्लॉज फोर के तहत जो प्रूफ किया जाना है मिस बिहेवियर या इनकैपेसिटी उसका क्या प्रोसीजर होगा क्या इन्वेस्टिगेशन होगी क्या स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होगा वो पार्लियामेंट बाय लॉ है वो रेगुलेट करेगी उसके बाद जो सिक्स क्लास है उसको हम सिक्स और सेवन्थ क्लॉज है उसको कंडीशन ऑफ के तौर पर देखते हैं कि क्लॉज सिक्स कहती है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा उसको अपने अहदे पे नियुक्ति से पहले जो ओथ है जो शपथ है वो ग्रहण करनी पड़ेगी बिफोर द प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के सामने या कोई ऐसा जिसको प्रेसिडेंट ने उन बिहाफ ऑफ उसको अपॉइंट किया गया हो ओथ उसको लेनी पड़ेगी जो कि थर्ड शेड्यूल में फॉर्मेट सेट फॉर्मेट है वो दिया गया है उसके बाद जो नो पर्सन हु हैज हेल्ड द ऑफिस एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट शैल प्लीड और एक्ट इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद वो कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता मींस वो केस प्रेजेंट नहीं कर सकता प्लीड नहीं कर सकता तो ये क्लॉज है वो सेवन कहती है तो ये हमारा था आर्टिकल 124 हाँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो